गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है। हाँ दोस्तों, गीता कुकिंग वर्ल्ड भी है, उसको भी अपने सब्सक्राइब लाइक करना, आगे बढ़ाना, हर डिश देखनी। तो अभी आपने एक वीडियो देखा है, मैंने इसके आगे का एक वीडियो बताया था, पेपर कटिंग कैसे की जाती है ना, बेसिक से बताया। अभी अपना महीने का सेमिनार होने वाला है ब्लाउज का डायरेक्ट, तो हम लोग कैसे सिखाने वाले हैं बेसिक से, तो बहुत सारे को नहीं आता है। तो आपने तो ये इसकी कटिंग देखी है, ओके। तो अभी हम इसके कपड़े पे कैसे रखना है, वैसे जैसे हम क्लास में जाते हैं सीखने के लिए, तो हमें कैसे सिखाया जाता है, पहले पेपर कटिंग करो, पेपर कटिंग आपको अच्छी आ गई तो फिर कपड़े पे कटिंग करो, ऐसा ऐसा सिखाया जाता है। तो अभी हमने पेपर कटिंग तो आपको बताई है दोस्तों, तो अभी हम कपड़े पे कैसे रखा जाता है कपड़े पे, वो आपको बताने वाले हैं। तो हम पहले डायरेक्ट आपको अस्तर से ही बताएंगे, ये हमारा अस्तर है दोस्तों, देखो ये अस्तर है। कभी भी नए लोग हो या पहले के भी जो सीखने वाले हैं और जो सीखे हुए हैं उनको भी बता रही हूँ मैं। ये पहले जो बंद घड़ी है हमारे पास रखनी, इसे इसको बोलते हैं हम लोग बंद घड़ी, जो बीच का सेंटर आता है इसको हम ऐसे बना दिए, इसको बोलते हैं हम लोग बंद घड़ी, ओके। अभी आपने ये कटिंग देखी है, हाँ किसी को कटिंग करने को कंटाल आता होगा सिलना बहुत अच्छा, तो हमारा गीता लेडीज टेलर की कटिंग भी आप उसको जाके लैपोज नाम है वेबसाइट का, वहां से जाके भी आप खरीदी कर सकते हो, कंटाल आता होगा तो, ओके। अभी ये हमने ऐसे रखना है, मैं रख रही हूँ, देखो ये वाला हमारे पार्ट रखना चाहिए, हम लोग गले की कटिंग बाद लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ओके। ये ऐसे रख लेंगे हम, जो सीधा भाग होता है हमारा ऐसे दोस्तों, हमें ये ऐसे रखना है और ये कभी भी कटोरी हमारी आपको बता रहे हैं हम, हमें ये वाला भाग जहां मैं ये पॉइंट दे रही हूँ ये वाला हमें सीधा होना चाहिए, इससे हमें तुरंत मालूम पड़ता है। कभी आपको नहीं चाहते, ये देखो ये हमें ऐसी कटोरी होनी चाहिए, देखो ये प्लस दिया है मैंने, ऐसे में आड़ा कपड़ा हमारा होना चाहिए, तब जाके हमारी कटोरी एकदम परफेक्ट बैठेगी, नहीं तो क्या फिर चपटी होगी, फिर कहाँ फुगा होगा, इससे दिक्कतें आती है रहती है हमें। तो हमें ये वाला ऐसा रखना है, नहीं तो क्या करना है, ये गोल राउंड हमारा होता है, ये दूसरा एक टिप बता रही हूँ मैं आपको, हमें ऐसे रख देना है डायरेक्ट और ये भाग अपने आप सीधा हो जाता है ना, देख रहे हैं आप दोस्तों, हमें ऐसे रखना है और हाथों की स्लीव्स हमें यहां भी आप रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, पर हमें यहां पे रखना नहीं क्योंकि हमारी कटोरी यहां पे हमने बिठा दिए, ये हाथों की स्लीव्स हमें यहां रख लेनी है, और ये मैं यहां बिठा देना है, कभी यहां भी आप बिठा सकते हो दोस्तों, छोटी पाई होगी तो, पर हमें यहां बिठा देती हूँ मैं ये, क्योंकि हमारा कपड़ा बराबर सेट हो जाता है, ओके, ऐसे या फिर ऐसे। तो यहां से हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा, यो क्रॉस पट्टी हमारा ज्यादा है क्योंकि कपड़ा हमारा थोड़ा कम पड़ रहा है, इसलिए मैंने ऐसे बिठाया है, तो कोई बात नहीं, ये हमारा सीधा भाग होता है तो हमें ऐसे भी बिठा देना है, कभी कभी थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है हमें, ओके। आप देख रहे हो, तो हमें ऐसे पूरा ड्रॉ हम लोग कर लेते हैं और कटिंग कर लेते हैं। देखो दोस्तों, मैंने कटिंग कर लिया, आपको लगा कटिंग पहले मैडम ने करी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने पहले ही कटिंग कर ली, आपको दिखाया नहीं, सेम वैसे ही कटिंग करना आपको दिखाया मैंने, ओके। ऐसे लगा तो मेरे आपने पहले के भी वीडियो देख लेना है कैसे हम लोग कटिंग करेंगे। ये देखो इतने हमारे पार्ट होते हैं कटोरी में, बैक साइड ये दोनों, फ्रंट साइड हाथों की स्लीव्स, ये क्रॉस पट्टी, ओके। अभी हम आपको अस्तर पे बताएंगे, यानी मेन फैब्रिक पे बताएंगे, ये मेन फैब्रिक है हमारा, कपड़ा कॉटन का है दोस्तों, अभी ये बहुत बड़ा पन्ना है तो हमें हाथों में भी लेना है, बैक साइड भी लेना है, ओके। तो हमें ऐसे करना है, उल्टा सीधा देख लेना है दोस्तों, ये क्या होता है कभी गड़बड़ हो जाती है उल्टा और सीधे, ये उल्टा है और ये सीधा है, तो हमें कभी भी उल्टा ऊपर आना चाहिए, सीधा अंदर जाना चाहिए, बस इतना आपने ध्यान देना है, एकदम अच्छी तरह से रख लेना है दोस्तों ये, तो आप ऐसे भी रख सकते हो, बस
बराबर। डिजाइन तो डिजाइन अच्छी तरह से आनी चाहिए, कौन से भी कपड़े के आप पहले डिजाइन देखना है दोस्तों, नहीं तो क्या होता है गड़बड़ हो जाती है। ओके, अभी मैंने एकदम सीधे से कपड़ा बिठा दिया हुआ है, यानी फैला दिया हुआ है, आप देख रहे हो। अभी हमें रखना है कपड़ा इसी तरह से, देखो वन मैं लिख लेती हूँ, वन टू, कभी भी आपको कंफ्यूजन होता है ना तो आपने नंबर दे देना है, टू ये हमारा, थ्री क्योंकि ये भाग हमें सीधा चाहिए ये वाला, बाकी कौन सा नहीं चाहिए हमें। और स्लीव्स हमारी है, यहाँ हमारी डिजाइन है तो हमें यहाँ ले लेंगे, पूरी परफेक्ट आ जाएगी हमारी डिजाइन। ये आगे पीछे आपको लास्ट में मैं बता देती हूँ दोस्तों, ओके देख लो हमारा इतना कपड़ा भी बच गया है। तो अभी हम ऐसे कर लेंगे, थ्री फोर फाइव, ऐसे हमें कपड़ा बिठाना है जैसे कि ऐसे ही से। ओके, अभी इसको थोड़ा हम लोग साइड देंगे, आपको बता देंगे कटिंग। कभी भी कपड़ा ये चीज और ये चीज हमें कभी भी सीधी चाहिए दोस्तों, क्या ऐसी सीधी चाहिए। और भाई आप यहाँ भी ज्वाइंट कर सकते हो, यानी आपको बता रहे हैं हम, भाई कभी यानी स्लीव्स यहाँ भी रख सकते हो और यहाँ भी रख सकते हो, ये दोनों साइड हम स्लीव्स एडजस्ट कर सकते हैं, पर यहाँ हमें डिजाइन आई है इसलिए हम यहाँ इसको यहाँ स्लीव्स रखेंगे और कटिंग को यहाँ बिछा देंगे हम, और क्रॉस पट्टी को यहाँ, क्योंकि ये पैटर्न हमें मिल जाएगा कुछ काम करने के लिए, यानी कुछ भी हम पाइपिंग या वगैरह कुछ कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा यहाँ साइड रख लोगी, तो आपने देखना हमें ऐसे करना है परफेक्ट। अभी यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे दोस्तों, थोड़ा पाव इंच ज़्यादा ही काटना है, क्योंकि पाव इंच ज़्यादा काटने से क्या होता है, हम जब फेविकोल से चिपकाएंगे तो हमारा कपड़ा थोड़ा भी हिलेगा नहीं। बहुत सारी लेडीज या महिला क्या करती है, पहले सिल लेते हैं मशीन से, तो उतना हमारा टाइम ज्यादा हो जाता है, फिर क्या होता है ब्लाउज को टाइम उतने हम लोग फेविकोल से चिपका दें तो उस टाइम में हमारा एक ब्लाउज रेडी हो जाता है आधे घंटे के अंदर। ओके, आप देख रहे हो यहाँ भी आप लगा सकते हो, तो इतना कपड़ा हमारे यहाँ बच जाता है। तो अभी मैं यहाँ ही कर लूंगी, सॉरी यहाँ ही कर लेती हूँ। तो ये हम ऐसे कटिंग करते हैं, आपको बता रहे हैं क्या होता है, बहुत सारी महिला क्या होती है डरती है स्टिचिंग सिलने को, बहुत उनको ये लगता है हम लोग सिल पाएंगे या नहीं सिल पाए, डरते हैं, तो डरने का ही नहीं है दोस्तों। क्या होता है प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप, एक बार दो बार आपका ब्लाउज बिगड़ेगा, पर चौथी बार तो आपको आना यानी आएगा ही ब्लाउज आपको कटिंग और स्टिचिंग। इसलिए मुझे, चलो आपको अभी महीने के हम लोग क्लास ले लेंगे, अभी जैसे बाहर हम लोग सीखने जाते हैं तो हमें कैसे सिखाया जाता है, आपको उसी प्रकार से मैं आपको सिखाने वाली हूँ। अभी ये वाला ब्लाउज है हमारा, सॉरी कटोरी, तो हमें यहां रखनी है, थोड़ा ज्यादा ही काटना है दोस्तों हमें, बाद में इसकी हम छटाई करेंगे, देख रहे हैं आप। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है ना इसीलिए मुझे आपको समझा के बराबर हम आपको समझाने वाले, कि यानी कि क्या आप बाहर क्लास को भी नहीं जाएंगे ना तो घर पे आप यहाँ पे आराम से सीख पाओगे। अभी ये आपको देख रहे आगे पीछे हो गया है ना, तो हमें आगे पीछे ना हमें ऐसे करना है, डिजाइन तो डिजाइन इक्वल करना है यानी बराबर बैलेंस, ये देखो हो गया परफेक्ट। तो यहां से हम ऐसे ही रखेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे और कटिंग करेंगे, इसको भी थोड़ा पाव पॉइंट ज्यादा ही लेंगे दोस्तों हम लोग, कि कपड़ा हमारा कम नहीं पड़ना चाहिए सिलने के टाइम पे। फिर क्या होता है प्रॉब्लम होती है, स्लीव्स कभी खींचती है, कभी कटोरी खींच जाती है, फिर आपको लग रहा है यार मैंने कटिंग तो बहुत मस्त कर ली, फिर सिलने के टाइम पे मालूम आ रही मैं कहाँ चूक गलत हुई, फिर लास्ट में हमें मालूम पड़ता है कि यार मैंने ऐसे किया वैसे। इसलिए कभी भी कटिंग करने के टाइम पे हमें ज्यादा ही कपड़ा या पेपर कटिंग काटनी है, बाद में हम इसकी छटाई करते, जैसे कि गीता लेडीज टेलर की जिसने कटिंग ली तो उनको तो मालूम ही होगा मैंने कितना मार्जिन दिया हुआ है ना, तो ब्लाउज भी एकदम तो परफेक्ट आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे बता रहे। और हाँ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे मैं फ्री मैं आपको सिखाती हूँ दोस्तों, डाउट्स क्लियर करती हूँ, उसमें हम लोग पैसा वगैरह कुछ लेते नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा तीन चार ग्रुप हमारा बड़े बड़े है, वहां से मुझे बताया जाता है ब्लाउज सिलाया जाता है और हम लोग वहां पे डाउट्स क्लियर करते हैं।
तो लाइफ में मेरा नंबर दिया हुआ है दोस्तों, वहां से आप लोग मुझे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। वेबसाइट का नाम है लाइपोज, देखो है ना, अभी आप देख रहे हो ये हमारा एक पार्ट हो गया है कटोरी का। ये दूसरा पार्ट यानी हाथों की स्लीव्स, ये कटोरी हमारी है, ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। अभी हमें बैक साइड का गला काटना है तो वो भी बताएगी हम आपको गला कैसे काटा जाता है। पहले हम अस्तर ले लेंगे दोस्तों। अस्तर लेने से गला हमारा कितना था पीछे का, 3.5 था। ओके, तो हम यहाँ पे 3.5 ही लेंगे क्योंकि हमने बढ़ा के लिया था, 3 का गला था, यहाँ पे हम लोग 3 का तीरा ले लेंगे और 2 का यहाँ का तीरा लेंगे क्योंकि गला बड़ा है, इसीलिए हम यहाँ पे 2 का ही तीरा लेंगे। बहुत सारे क्या करते हैं, जितना शोल्डर है 2.5 का शोल्डर, तो हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ऐसे करते हुए। तो हमें ऐसा करना है, सबके लिए मैं 2 का ही तीरा ले लेती हूँ। 2 का तीरा लेने से क्या होता है दोस्तों, हमारा कितना भी बड़ा गला हो यानी हमारी पीठ खुली होती है तो हमारा शोल्डर गिरता तुरंत है ही नहीं, मतलब थोड़ा भी नहीं गिरता है। तो यहाँ के हम पहले हम सिखा रहे, तो यहाँ पे गोली गला बताएगी आपको, और किसी को और सीखना हो तो मैंने पहले के भी मेरे वीडियो देख लेना है, वहां से मैंने आपको हर टिप्स बताई हुई, देखो है ना। अभी हमारा टक्स पॉइंट होगा 4.5 का। कोई क्या करते हैं, यहाँ का बीच का भी सेंटर निकाल लेते हैं, यहाँ हमारा 1.5 पॉइंट ये होता है, आपको वो भी बता रहे हैं, इससे 8.5 का यहाँ का हम लोग बीच का सेंटर निकाल लेते हैं टक्स पॉइंट के लिए, है ना, देखो ऐसे। तो हमें सबके लिए 4, 4.5 ही लेना है, मैंने 4.5 और 5 का हमारा टक्स पॉइंट आ गया बीच का सेंटर, है ना, देखो, यानी हमारा जो चेस का मेन पॉइंट होता है वहां से ही हमारा होता है, परफेक्ट हो जाता है, देख रहे हो आप, ऐसे हमें होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट में बताया, ये गिनना ही नहीं, हमें क्या करना है, यहाँ से 4.5 और 5, यहाँ आधा 4.5 होता है, यहाँ आधा इंच बढ़ा देना है, बस 4 होगा तो 4.5, 3.5 होगा तो 4.5, ऐसे करना है बस, ज्यादा मतलब दिमाग लगाना नहीं है, बस एकदम ईजी तरीका है, बहुत यानी बहुत ईजी। अभी हम गला पहले काट लेंगे इसका, ओके okay, तो अभी हम इसको फेविकोल से आपको बता देंगे कैसे चिपकाना है। अभी मैंने ये ओपन कर दिया हुआ है, यहाँ मैंने फेविकोल लिया है। क्या होते, बहुत सारी महिलाएं क्या पहले स्टिच कर लेती है पहले सिंपल कच्चे धागे से, तो हमें यहाँ पे सिलाई नहीं माना है, हमें यहाँ पे डायरेक्ट फेविकोल से चिपका लेना है। फिर हमें क्या होती है, फिनिशिंग भी मिलती है, बहुत सारे लोगों की फिनिशिंग बराबर आती नहीं ब्लाउज की, है ना, तो हमें यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट करके फेविकोल चिपका देना। ऐसा मैंने एक वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, आप वो भी देख लेना, फेविकोल का वैसे मैंने अपलोड किया है। अभी यहाँ से हमने ओपन करेंगे, इसको डाल देंगे, पसरा देंगे यानी फैला देंगे, ओके। अभी ये हो गया, अभी नेक्स्ट पार्ट हमें ऐसे करना है, कभी भी ध्यान देना, हमें कभी भी ऐसे करके ऐसे नहीं करना है, ओके, ऐसे करना है वैसे, और ये दो भाग ऐसे सेम होना चाहिए। तो हमें समझ में आता है जब हम स्टिचिंग करते हैं दोस्तों, तो हमें समझ में आता है हमने क्या सिल रहे, तो ये भाग हमें परफेक्ट हो जाता है हमारा, तो हमें सिलने में दिक्कत ही होती नहीं है। अभी हम ऐसे ही सबको फेविकोल लगा लेते हैं। अभी देखो हमने फेविकोल से चिपका दिया है दोस्तों, देखो अभी आपको लगा ये एक्स्ट्रा भाग है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो भी कट होगा वो हम लोग ऐसे कट कर लेंगे, यानी कि हमको सिलने में एकदम आसान होगा, फिनिशिंग के साथ आएगा, और मैं 100% गारंटी देती हूँ, आप ऐसे तरीका आप इस्तेमाल करोगे तो आपको ब्लाउज एकदम परफेक्ट बैठेगा दोस्तों। हम लोग जो एक्स्ट्रा है हमें ऐसे कट कर लेना है, आप देख रहे हो हमने को सिलने का हमारा उतना टाइम बच जाता है। बहुत लेडी या महिला क्या, लेडीज महिला क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टिचिंग करती है, तो मैं स्टिचिंग करना ही नहीं, देखो परफेक्ट बैठ गए। आपको एक डेमो बता देती हूँ मैं, देखो अभी ये ज़्यादा है, कोई बात नहीं, हम लोग इसे कटिंग कर लेंगे, पहले ही हम लोग कटिंग कर लेते, कटो कट फिर तो कम ज़्यादा कपड़ा होता है, कभी खींचता है कपड़ा, अभी तो ये कॉटन है तो इसलिए अच्छा। और हाँ, पहले आप पहली बार सिल रहे हो या सीख रहे हो तो हमने डायरेक्ट कॉटन के कपड़े पर ही कटिंग करना है दोस्तों, अच्छे कपड़े पर कटिंग मत करो, सिल्क कपड़ा होता है, कोई मुलायम कपड़ा होता है, वहाँ से आप स्टिचिंग या कटिंग करोगे तो आपको परफेक्ट बैठेगा नहीं। तो मेरा आपका एक ही राय है कि आप कॉटन के कपड़े से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। कॉटन का कपड़ा इसलिए होता है कि हमारा कपड़ा हिलता नहीं, हमें सिलने में थोड़ा दिक्कत भी नहीं होती, तो हमें कॉटन के कपड़े भी इजाजत करना है, देखो है ना, देख रहे हो। अभी सिलने के लिए रेडी हो गया है दोस्तों, ओके, अभी हम ऐसे ही सब छटाई हम लोग कर लेते हैं।
देखा ना दोस्तों, मैंने कैसे परफेक्ट कटिंग बता दी। पहले हमने पेपर कटिंग की, पेपर कटिंग के बाद दूसरा स्टेप हमारे कपड़े पे कटिंग, कपड़े पे कैसे कटिंग करना है। ओके, तो आपको वीडियो पसंद आया ही होगा, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा स्टिचिंग का, वो भी टिप्स के साथ, तो इंतजार आप करना है। धन्यवाद दोस्तों।